जनसभा को संबोधित करती हुई भी नजर आएंगी इसकी तैयारी अब जोरों शोरों से शुरू हो गई है कांग्रेस कांग्रेस के कई कार्यकर्ता और और प्रदेश अध्यक्ष खुद इसकी जिम्मेदारी लिए हुए हैं लगातार मुरादाबाद में भीड़ जुटाने की जो है है प्रक्रिया जारी और इस बीच तमाम कार्यकर्ता जो है वो मुरादाबाद में अभी से ही चुनाव की तैयारियों में सभा की तैयारियों में लग गए हैं देखिए इस रिपोर्ट में कि मुरादाबाद में जब प्रियंका गांधी दौरे करेंगी तो और क्या क्या यहाँ से घोषणाएं करती हुई नजर आएंगी श्यामगंज चौराहे स्थित जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय में गुरुवार को जिलाध्यक्ष मिर्जा की अध्यक्षता में बैठक की गई जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पार्टी के सचिव व प्रदेश सह प्रभारी तो आलम के साथ प्रदेश कमेटी के महासचिव व मंडल प्रभारी अरसद अली और जिला प्रभारी जितेंद्र कश्यप रहे बैठक में सदस्यता अभियान व एक दिसंबर को मुरादाबाद में आयोजित प्रियंका वाड्रा की रैली को लेकर चर्चा की गई है इस दौरान रैली को ऐतिहासिक बनाने के लिए पदाधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई जिलाध्यक्ष ने कहा है कि प्रियंका गांधी द्वारा दिए गए नारा लड़की हूँ लड़ सकती हूँ महिलाओं में बहुत जोश है और आज शहर से लेकर देहात तक की महिलाएं राजनीति में आ रही हैं। कांग्रेस से जुड़ रही हैं बैठक में पूर्व विधायक नरेंद्र पाल गंगावार और राज शर्मा जिया उर रहमान दिनेश दद्दा जैद हसन और हरीश गंगावार वसीम अकरम आदि शामिल रहे इस बीच बता दें कि संगठन के विस्तार एवं छात्रों को हो रही समस्याओं को दूर करने के लिए राजेंद्र नगर इकाई का गठन गुरुवार को किया जिसमें विकास कुमार अध्यक्ष सक्षम सिंह को नागर मंत्री बनाया गया है देखिए लगातार बता दें कि उत्तर प्रदेश में चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रही हैं वैसे वैसे सभी पार्टियां चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई है इस प्रियंका गांधी लगातार चुनावी करती हुई नजर आ रही हैं है। वहीं बता दें कि मुरादाबाद में भी प्रियंका गांधी अब रैली करती हुई नजर आएंगी इससे पहले वाराणसी गोरखपुर कासगंज बुंदेल शहर और लगातार कई राज्यों में कई जिलों में दौरे करती हुई कांग्रेस पार्टी अब नजर आ रही है प्रियंका गांधी बता दे कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में जीत के मंत्र देती हुई भी दिख रही हैं प्रियंका गांधी ने महिलाओं के लिए कई घोषणाएं की हैं इससे पहले प्रियंका गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रियंका गांधी ने ये बात कही थी कि पार्टी में 40 प्रतिशत महिलाओं को उम्मीदवारी दी जाएगी उन्होंने वहाँ पर यह भी कहा था कि जब वो उन्नाव गई और हाथरस गई तो वहाँ की महिलाओं से उन्होंने मुलाकात की और जब वहाँ की महिलाओं से उन्होंने मुलाकात की तो उन्हें यही उन्होंने आकलन निकाला कि वहाँ की महिलाओं को सशक्त होने की जरूरत है ताकि वो अपनी न्याय की मांग को मजबूती से सरकार के समक्ष रख सके इसी वजह से प्रियंका गांधी ने जब वहाँ से लौटी उसके बाद इस पर सोच विचार किया और फिर जब लखीमपुर खीरी घटना को लेकर प्रियंका गांधी लखीमपुर गई और वहां पर भी महिलाओं से मुलाकात करती हुई नजर आई उसके बाद प्रियंका गांधी ने थोड़े दिन बाद ही प्रियंका गांधी ने ये बड़े ऐलान किए उन्होंने कहा कि 40 प्रतिशत महिलाओं को पार्टी में उम्मीदवारी देंगी जिसे महिलाएं सशक्त तो होंगी महिलाएं अपनी बातों को जनता के समक्ष रख पाएंगी ऐसे महिलाओं की बातों को नहीं सुना जाता है इस बता दे कि महिला सुरक्षा को लेकर भी प्रियंका गांधी लगातार सरकार पर निशाने साधते रही हैं और महिला सुरक्षा की बात अब चुनाव से पहले प्रियंका करती हुई भी नजर आ रही है कांग्रेस पार्टी की मैं बात करूं तो कांग्रेस पार्टी पहले का वर्चुअल माध्यम से कार्यकर्ताओं से जुड़ा करती थी प्रशिक्षित किया करती थी लेकिन अब प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में कई चुनावी सभाएं और चुनावी दौरे करती हुई नजर आ रही हैं इस बीच किसानों के पीड़ित परिवारों से प्रियंका गांधी भी मिलती जुलती नजर आ रही है बता दें कि प्रयागराज में प्रियंका की रैली हुई जिसमें कई आ, लोग भी इकट्ठा हुए इस बीच प्रियंका गांधी प्रयागराज में पीड़ित परिवारों से भी मुलाकात की है इससे पहले प्रियंका ललितपुर भी गई थी वहाँ पर भी पीड़ित परिवारों से मुलाकात की थी और पीड़ित परिवारों को प्रियंका गांधी मुआवजा देती हुई भी नज़र आती हैं उनकी सहायता करती हुई भी नज़र आती हैं यही घटनाएं लखीमपुर खीरी में भी देखा गया था लखीमपुर खीरी में भी जब प्रियंका गांधी वहां पर पीड़ित परिवार से मिलने के लिए गई थी उसके बाद लगातार वो पीड़ित परिवारों के लिए न्याय की मांग करती रही थी और वहां पर प्रियंका गांधी पीड़ित परिवारों को शायद सहायता राशि भी देकर आई थी इस बीच बता दे कि प्रियंका गांधी जहाँ कई बार दौरे कर चुकी हैं तो वही बीजेपी की तरफ से भी कई नेताओं ने अभी तक बहुत सी रैलियां कर चुकी है पीएम नरेंद्र मोदी खुद उत्तर प्रदेश आते हैं और वहां पर दौरे करते हुए नजर आते हैं वहीं गृह मंत्री अमित शाह भी उत्तर प्रदेश आते हैं और दौरे करते हुए नजर आते हैं इस बीच बता दें कि उत्तर प्रदेश में कई ऐसे नेता है जो अब देखने को मिलेंगे वही बता दें कि जब गोरखपुर प्रियंका गांधी गई थी तो वहां पर भूपेश बघेल भी प्रियंका गांधी के साथ में नजर आए थे और भूपेश बघेल ने प्रियंका की खूब तारीफ की थी उन्होंने कहा था कि प्रियंका गांधी जो नारे लेकर चल रही हैं वो काफी कारगर साबित होंगी आगे चल के इस बीच बता दी कि प्रियंका गांधी मुरादाबाद जाएंगी वहां पर दौरे करेंगी और चुनावी सभा को संबोधित भी करती हुई नजर आएंगी प्रियंका गांधी के लिए मुरादाबाद इसलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि इससे पहले जब प्रियंका गांधी बुलंदशहर से मुरादाबाद जाने के लिए तैयार हो रही थी उसी वक्त अचानक से प्रियंका गांधी की तबीयत बिगड़ गई और ये पहले ही पोस्ट हो चुका था जिसके बाद अब फिर से ये चर्चाएं शुरू हो गई हैं कि प्रियंका गांधी मुरादाबाद जाएंगी प्रियंका गांधी का मुरादाबाद जाना इसलिए भी अहम माना जा रहा है कि क्योंकि मुरादाबाद प्रियंका गांधी का ससुराल है और यहाँ की जनता प्रियंका गांधी को अपना समर्थन देती हुई नजर आ सकती है इसीलिए प्रियंका गांधी ने मुरादाबाद का दौरा पोस्टोन कर दिया था और अब प्रियंका गांधी मुरादाबाद में एक बार फिर से नजर आएंगे इस बीच बता दें कि कांग्रेस के कई कार्यकर्ता यहां पर चुनावी सभा को संबोधित करने के लिए भीड़ इकट्ठा करने में जुटे हैं वहाँ पर तैयारियों का जायजा भी ले रहे हैं और लगातार जो है वो वहाँ पर लोगों से बात कर रहे हैं ये भी बता दें कि मुरादाबाद में प्रियंका गांधी कई बड़े ऐलान भी कर सकती हैं इससे पहले बुलंदशहर और गोरखपुर में भी प्रियंका गांधी ने कई ऐलान किए जिसमें महिलाओं का मुख्य मुख्य फोकस किया गया है और इस बार भी जब मुरादाबाद प्रियंका गांधी जाएंगी तो यहाँ पर भी कई बड़े ऐलान कर सकती हैं आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए बाकी और खबरों के लिए जुड़े रहिए एस पी एम नाइन न्यूज के साथ